हसन बाबू के राज में अपराधी बेलगाम व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। मामला सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर चौक मुख्य बाजार की है। प्रशासन को दे रहे खुली चुनौती, बाइक सवार अज्ञात बेखौफ अपराधियों का तांडव। तीन बाइक पर सवार छह अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने एक किराना दुकानदार के दुकान पर बैठे चार लोगों को गोली मारकर फरार हो गया, जिसमें एक युवक किराना दुकानदार शंभू चौधरी के पुत्र गोविंद चौधरी उम्र करीब 35 वर्ष की गोली लगने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं तीन दुकानदार शंभू चौधरी, गौतम चौधरी एवं दुकानकर्मी गंभीर रूप से घायल। तीनों की गंभीर स्थिति देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पिपरा अस्पताल से किया गया रेफर। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम समझ गया, साथ ही महेशपुर चौक बाजार के सभी लोगों में अपराधियों का खौफ सा छा गया। सूचना मिलते ही पिपरा पुलिस स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घायलों में दुकानदार शंभू चौधरी, दुकानदार के पुत्र गौतम चौधरी एवं कर्मी श्याम मंडल शामिल, जबकि दुकानदार के दूसरे पुत्र गोविंद चौधरी की इस घटना पर ही मौत हो गई। इस आपराधिक घटना के बाद महेशपुर के लोग आक्रोशित होकर पुलिस प्रशासन को जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर एसपी मनोज कुमार ने संभाली कमान। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जबकि लगातार आए दिन सुपौल जिले में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। दो दिन पूर्व में जदिया एटीएम गार्ड को गोली मारकर 45 लाख लूट लिए, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में फिर से जंगलराज शुरू हो गया हो। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है या ऐसा ही अपराधी बेलगाम होकर ऐसी घटना को अंजाम देते रहेंगे। आखिर क्या कमी है जो कानून का जश जरा भी खौफ नहीं है इन अपराधियों में। मनोज कुमार, एसपी सुपौल, कर्मी किराना दुकान, जेपी शाह अस्पताल प्रभारी, सुपौल से शाहबाज।